चोरी के संदेह में युवक की जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले का किया खुलासा। सागर जिले के देवरी अनुविभाग अंतर्गत महाराजपुर थाना के ग्राम हरदुली के समीप तालाब में मिले सिरविहीन शव की गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना के दौरान हिरासत में लिए गए चार संदिग्धों की निशानदेही पर पुलिस द्वारा शव के शेष टुकड़े एक अन्य तालाब से बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आरोपियों द्वारा अपराध को स्वीकार कर मृतक अर्जुन को चोरी के संदेह में लाठियों से निर्ममता से पीटे जाने की बात सामने आई है, जिसकी चोटों के चलते उसकी मौत हो गई थी। आरोपियों द्वारा अपराध छुपाने की नीयत से शव के टुकड़े कर उसे बोरी में भरकर पत्थर से बांधकर तालाब में फेंक दिया गया था। दरअसल विगत 2 सितंबर को महाराजपुर थाना पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना के आधार पर ग्राम हरदुली के समीप जंगल में स्थित तालाब से एक शव सड़ी गली अवस्था में बरामद किया था, जिसका सिर हाथ पैर के पंजे भी गायब थे। संदिग्ध मामले को थाना क्षेत्र से गुमशुदा हुए युवक अर्जुन कुचबंदिया से जोड़कर देखा जा रहा था, परंतु शव की शिनाख्त ना हो पाने के कारण पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव को FSL सागर भेजा गया था एवं शव के सिर सहित अन्य अंगों की तलाश आरंभ कर दी गई थी। घटनास्थल के समीप सभी संभावित स्थानों पर तलाश में सफलता न मिलने के बाद पुलिस द्वारा मामले में साक्ष्य के अभाव में पुलिस द्वारा शव को सुरक्षित रखवा कर प्रकरण संज्ञान में लेकर प्रकरण की विवेचना की जा रही थी। मामले में ग्राम खकरिया से गुमशुदा युवक अर्जुन पिता इंदर कुचबंदिया के परिजनों द्वारा ग्राम के निवासी कोमल गौण पर शंका जाहिर की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा खकरिया निवासी कोमल गौण एवं हरदुली निवासी मुन्ना कौल, गोलू कौल, जिया लाल कौल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। संदिग्ध द्वारा पुलिस को कई बार गुमराह करने का प्रयास किया गया, परंतु बाद में उनके द्वारा बकरी चोरी की शंका के चलते उसकी लाठियों से पीट कर हत्या किए जाने एवं अपराध छुपाने की नीयत से उसके शव के टुकड़े अलग अलग तालाब में फेंके जाने की बात स्वीकार की गई। द्वारा आरोपियों के विरुद्ध BNS की धारा 103 एवं BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। महाराजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अरदुली के जंगल के तालाब में एक छत के क्षेत्र स्थिति में एक शव मिला था, जिसमें PM नहीं थी, जिसका PM कराया गया था। तो बाद PM वहीं पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा यह बताया गया था कि यह अर्जुन कुछ शव है जो जिसका पहले से गुम इंसान चल रहा है। तो परंतु उनके द्वारा जो भी बताया गया था उससे सबका मिलान नहीं हो पा रहा था, इस कारण से सबको उनके सुपुर्द न करते हुए DNA के लिए भेजा गया। इसके बाद गुमनसान एवं गंभीर घटना होने के कारण इसमें साक्ष्यों का संकलन किया गया, और साक्ष्यों के संकलन के दौरान ही फिर जब यह पता चला कि जब अर्जुन कुचबंदिया दिनांक 23/8 को जंगल में जा रहा था, तभी वहाँ कोमल आदिवासी अपने खेत पर काम कर रहा था। तो कोमल गौंड द्वारा जब वहाँ पर उसको पकड़ा गया तो उन्होंने ये सोचा कि यह फिर से अर्जुन कुचबंदिया बकरी चुराने के लिए आया है, और इसी को लेकर उसके द्वारा डंडे से मारपीट कर दी गई, और उनके कोमल द्वारा अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लिया गया, जिनके द्वारा भी डंडे से मारपीट की। और जब तक फिर वहाँ जब बेहोश होकर गिर गया तो कोमल और उनके साथी जियालाल और मुन्ना और राम स्वरूप कौल और गोलू और नर्मदा कौल ये फिर वहाँ से चले गए। जब चले गए फिर उन्होंने वापस देखा तो अर्जुन मृत हो चुका था। तो पुलिस से बचने के लिए उन्होंने सबको वहीं पास पे एक खेत में छिपा दिया, परंतु जब 2 दिन बाद इसमें ज़्यादा बदबू आने लगी और पुलिस से बचने के डर से इन्होंने रात्रि में 2 दिन बाद सबको रात्रि में ले जाकर उसके हाथ और दोनों पैर हाथ के पहुँचे दोनों पैरों के पंजे एवं गर्दन काट कर एक अलग बोरी में भर ली तथा सबको पत्थर बांध कर तालाब में फेंक दिया था। फिर बोरी को ले जाकर दूसरे तालाब में फेंक दिया था, जिससे कि पुलिस से बच जाएँ और साफ सुथरे रहें। परंतु बाद में जब बॉडी फूल कर ऊपर आ गई थी तो पुलिस को मिली थी, उसके बाद यह पुलिस द्वारा पुलिस ने कर घटना को खुलासा कर दिया।